हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही सिंपल और साधारण नुस्खा लेकर आई हूं, जो कि आपके चेहरे के कालेपन को दूर करके आपकी चेहरे को दूध जैसा कोरा बनाएगा। ये रेमेडी आपके चेहरे की दाग धब्बों को दूर करके आपके चेहरे को सुंदर और खूबसूरत बनाएगा। अगर आपके चेहरे पर अनचाहे बाल हैं तो उनको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने का तरीका और अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसे प्रेस करने के बाद मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप इसे वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लेनी है कच्चा दूध। आपको यहाँ पे बॉईल किया हुआ दूध नहीं ले लिया है, कच्चा दूध ही लेनी है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच कच्चा दूध एक अलग सी बाउल में ऐड करूँगी। कच्चा दूध जो है ये हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हमारे चेहरे को लाइट बनाता है, हमारी सनटैन को दूर करता है, पिंपल्स को दूर करता है, प्राकृतिक तरीके से हमारी खोए हुए निखार को वापस लाने में मदद करता है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लेनी है एलोवेरा का जेल। तो फ्रेंड्स, आप अगर चाहें तो यहाँ पे फ्रेश एलोवेरा की जो लीफ आती है उसकी पत्ती भी यहाँ से पत्ती से भी जेल निकाल कर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जिनके पास फ्रेश पत्ती नहीं है वो यहाँ पे ऐसे बाजार वाली एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है एलोवेरा जेल और फिर मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो गाइस, सबको पता ही है ये जो एलोवेरा का जेल है ये हर एक ग्रुप की एज को सूट करता है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप टीनएजर्स हो या फिर छोटे बच्चे हो, ये हर किसी के स्किन को सूट करता है, सॉफ्ट करता है आपकी स्किन को। जो स्किन में रेडनेस आ जाते हैं, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, उनको रिमूव करता है, आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से पॉलिश करता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो हद से ज़्यादा चिकना और ग्लोइंग लगता है। तो आपको इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज एलोवेरा की जो जेल है ये जेल फॉर्म में है और दूध जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो दोनों को मिक्स करने में थोड़ा टाइम देनी भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे रोज़ वाटर। आप सबको पता ही है रोज़ वाटर हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। हम अक्सर इसको मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज़ करते हैं, टोनर की तरह भी यूज़ करते हैं, फेस क्लींजर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 चम्मच जितना रोज़ वाटर ऐड कर लेनी है और इन सबको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। रोज़ वाटर हमारे चेहरे पर एक परफेक्ट क्लींजर का काम करता है और हमारे चेहरे पर जितने भी डस्ट होते हैं प्रदूषण के कारण, हमारा चेहरा जो काला पड़ गया होता है, उन सारी गंदगी को हमारे चेहरे से हटाता है। और रोज़ वाटर की यूज़ से हमारी चेहरा बिल्कुल फ्रेश फील करता है और आपके चेहरे को गोरा और सुंदर बनाने में हेल्प करता है रोज़ वाटर। हम अक्सर रोज़ वाटर का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं ताकि हमारी जो पोर है, स्किन की जो पोर है वो मिनिमाइज़ हो जाए। जो ओपन पोर्स के प्रॉब्लम होते हैं रोज़ वाटर के इस्तेमाल से वो भी धीरे धीरे श्रिंक करने लगते हैं और मिनिमाइज़ हो जाकर बिल्कुल छोटा छोटा बन जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो स्किन क्लींजर है, स्किन सीरम है, ये बनके बिल्कुल रेडी है। तो आपको इसको लगाना कैसे है और किस वे में इसको लगानी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपनी फेस को आपको क्लीन कर लेनी है, जो भी मेकअप वगैरह होंगे उनको रिमूव कर लेनी है। उसके बाद एक कॉटन लेनी है और उस दूध के अंदर आपको डिप कर लेनी है, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और डिप करने के बाद अपने फेस में इस तरीके से लगानी है। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरीके से इसको यूज़ कर रही हूँ। और लगाकर आपको 5 से 7 मिनट तक मसाज करनी है। 5 से 7 मिनट मसाज हो जाने के बाद आपको इसको अपने फेस में 15 से 20 मिनट तक छोड़ देनी है, ऐसे लगे रहने देना है। और 15 से 20 मिनट बाद आप इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करके देखिएगा, इस 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही आपको इतना बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा, इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये 100% नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी के बार बार यूज़ से आपकी चेहरा बिल्कुल गोरा और चमकदार हो जाएगा और उसके साथ साथ ये एक अलग सा ग्लो प्रोवाइड करता है और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कच्चा दूध का इस्तेमाल किया हुआ है। तो आई होप गाइस ये जो वीडियो है ये आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, अनसब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।